नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में और जानेंगे न्यूजीलैंड से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कि कई द्वीपों से मिल करके बना हुआ है, जिसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप सबसे बड़े द्वीप माने जाते हैं और यहीं पर न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। न्यूजीलैंड में बहुत से ऐसे भी द्वीप है जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं। न्यूजीलैंड इस पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहां पर साल भर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। इसी कारण से यहां की सरकार एक साल में 16 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ अपने पर्यटन क्षेत्र से कमाती है। न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल 268,021 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 48,22,233 इसके आसपास है। न्यूजीलैंड की तीन आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली इंग्लिश, दूसरी माओरी और तीसरी न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज का यूज यहां की संसद में भाषण देने के लिए किया जाता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने फियर द वॉकिंग डेड नाम की मूवी देखी हो तो उसमें जो ट्रेविस होते हैं वो माओरी कम्युनिटी के ही होते हैं। न्यूजीलैंड की आधिकारिक मुद्रा का नाम न्यूजीलैंड डॉलर है, जिसके 1 रुपये की कीमत भारत के 42 रुपये के आसपास मानी जाती है। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन है और ये इस देश की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में आप लोग चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन समुद्र से 128 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने साल 1893 में ही महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड में सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र द्वारा चलाई जाती है और यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा शासित होती है। न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन रहती है और यह मछलियों की सभी प्रजातियों में सबसे समझदार मछली मानी जाती है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कीवी नाम का पक्षी सिर्फ न्यूजीलैंड को छोड़कर के दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। न्यूजीलैंड में जीवन औसत दर सबसे ज्यादा है। यहां पर एक महिला सामान्यतः 82 साल जीती है, तो वहीं पर एक पुरुष सामान्यतः 78 साल जीता है। न्यूजीलैंड के लोग अपनी लाइफ में अपनी कारों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए यहां पर 48 लाख की आबादी पर 33 लाख कारें हैं। न्यूजीलैंड में 15 साल बच्चा भी अपनी लाइफ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उसे कार ड्राइव करनी आती है तो उसे लाइसेंस मिलने में बहुत आसानी होती है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में मोटे हैं और न्यूजीलैंड घूमना चाहते हैं तो आप लोगों को न्यूजीलैंड घूमने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड सामान्यतः मोटे लोगों को वीजा देने में काफी दिक्कत करता है। न्यूजीलैंड में प्राकृतिक नज़ारे और जंगलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता। लेकिन इसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अपना ही एक राज्य मानता है और ऐसा इसके संविधान में भी लिखा हुआ है, जिस कारण से न्यूजीलैंड का कोई भी नागरिक ऑस्ट्रेलिया आकर के रह सकता है। न्यूजीलैंड इस दुनिया में ऊन के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इसका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड को इस दुनिया में एक उदार देश के तौर पर देखा जाता है, जिस कारण से यहाँ पर समलैंगिक विवाह और वैश्यावृत्ति कानूनी तौर पर मान्य है। यहाँ पर सेक्स करने की एज 16 साल है, तो वहीं पर ड्रिंक करने की एज 18 साल है। न्यूजीलैंड के लोग अपनी लाइफ में घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, जिस कारण से यहाँ के लोगों का मन पसंदी और राष्ट्रीय खेल ट्रम्पिंग है, जिसे सामान्यतः हाइकिंग के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया के उन 5 देश में की जाती है जो डेयरी उत्पाद के मामले में दुनिया में अव्वल माने जाते हैं। न्यूजीलैंड हर साल लगभग 10 लाख डॉलर की कमाई कीवी बेच करके कर लेता है। कीवी मूल रूप से चीन का एक फल है, जिसे वहां पर प्यार से मंकी पिच के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली इल फिश लगभग 80 सालों तक जी सकती है और यह अपने जीवन के अंतिम दिनों में ही प्रजनन करती है। न्यूजीलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित है जहां पर 2 राष्ट्रीय गान हैं,
न्यूजीलैंड का पहला राष्ट्रीय गान गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड 1940 में अपनाया गया था, तो वहीं पर दूसरा राष्ट्रीय गान गॉड सेव द क्वीन 1977 में अपनाया गया था। गॉड सेव द क्वीन ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय गान माना जाता है। न्यूजीलैंड में रहने वाले कुल जीवों में सिर्फ 5% ही मानव जाति है, बाकी की 95% पशु पक्षी और जानवर रहते हैं। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी, जिसे इस दुनिया में ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पर लगभग 50 से भी ज़्यादा जीवित एवं मृत ज्वालामुखी है। न्यूजीलैंड की ही ऑकलैंड सिटी, जिसे इस दुनिया में प्रति व्यक्ति नौका के हिसाब से सबसे ज़्यादा माना जाता है, इसीलिए इस सिटी को सेल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित है जिस देश के अंदर कोई भी परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। न्यूजीलैंड के लोग अपनी लाइफ में पेपर मनी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर पैसों के लेन देन के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जाता है। न्यूजीलैंड अपना माल मुख्यतः चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदता है। न्यूजीलैंड में एक दिन होता है जिसे एनजेक डे नाम से जाना जाता है, और ये दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए किसी भी युद्ध या संघर्ष में अपने प्राण त्याग दिए हों। और इस दिन टीवी पर कोई भी एड नहीं दिखाई जाती। न्यूजीलैंड में एक जगह है जिसका नाम लॉन्ग व्हाइट क्लाउड है। ये जगह मूल रूप से चमगादड़ों के रहने के लिए है। यहाँ पर चमगादड़ों को छोड़ करके कोई भी स्तनधारी जीव नहीं रहता। न्यूजीलैंड को इस दुनिया में बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। जहाँ पर दुनिया के अन्य देशों में बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड में आप लोग खुद का बिजनेस सिर्फ एक दिन के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस से संबंधित सारे अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाते हैं और 24 घंटे के अंदर आप लोग अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में गिना जाता है जहाँ पर महिला और पुरुष की सैलरी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर महिला और पुरुष की सैलरी का डिफरेंस सिर्फ 5% होता है। न्यूजीलैंड के मूल लोगों को माओरी कह करके पुकारा जाता है। वर्तमान न्यूजीलैंड में इन लोगों की संख्या सिर्फ 15% है, लेकिन इस जनजाति के लोगों की संख्या जेल के अंदर लगभग 50% से भी ज़्यादा है। द लॉर्ड ऑफ द राइजिंग रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड में ही हुई थी। दुनिया में पेंगुइन की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यहाँ पर पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल मिला था जो कि लगभग 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना था।